and gentlemen, please welcome a truly inspirational for all of us, a complete motivational factor for us, a visionary who has got an ability to change the society in terms of everything. Please welcome our honorable chairman, sir, Mr. Sanjeev Agrawal. बेटा यहाँ पर सातवीं कक्षा में बेटी थी, यहाँ आए हम और आठवीं कक्षा में बेटा था, तो करते करते वो दसवीं बारहवीं तक हो गए। पर मन में बार बार ऐसी एक बार होती बात चुभ रही थी कि एक बार मैं अपना प्रस्ताव श्रीमान सर जी, चेयरमैन सर जी और मैडम के पास रखूँ। तो मैं रिक्वेस्ट लेटर लिख कर गई कि कृपया सर, मैं अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। आत्मीयता की स्माइल से उन्होंने बोला, देख लो इनके बच्चे का क्या करना है, देख लो आप स्टॉक में। सर ने कुछ उस चीज के बारे में कभी हमें फीस के लिए नहीं बोला। आज मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा है। आज सर ने हमें 17 साल पहले घर बना के दिया, 2 रूम का, और आज हम अपने खुद के घर में गए हैं। डबल मंजिल घर बना है, जो कि सर के आने से सब कुछ पॉसिबल हुआ है। और मैं इसलिए पूरी तरह से हजारों हजारों धन्यवाद देती हूँ उनको कि हमें सर का साथ मिला और इस जीवन में उन्होंने हमारा उद्धार किया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कॉलेज के फाउंडेशन डे के दिन मैंने सर को विश किया था। सर ने मेरे से पूछा, बेटा आप कैसे हो? मैंने बोला, सर बहुत अच्छे। सर ने फिर मेरी डॉटर का पूछा कि आपकी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ रही है अभी? तो मैंने सर को कहा कि सर 8th क्लास में है। सर ने बोला, अरे वाह 8th क्लास में अभी, कैसे क्या पढ़ती है? मैंने बोला, सर बहुत अच्छी है। तो सर ने मुझसे ऐसा कहा, अच्छा प्रभा, तो आप क्या चाहते हो? तो मैंने सर से कहा, सर मुझे मेरी बेटी को इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहती हूँ। तो सर ने बोला, अच्छा, बोले आप क्या करते हो, आपके हस्बैंड क्या है? तो मैंने बोला, सर हस्बैंड मेरे प्राइवेट जॉब में है। तो सर ने कहा, अच्छा ठीक है। सर ने अचानक मेरे से बोला कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी जो फीस है वो मैं यहाँ से पे करूँगा।
सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इस चीज को चरितार्थ करते हैं ये, क्योंकि जब भी किसी की कोई अच्छी हैबिट देखते हैं, कोई अच्छी चीज देखते हैं होते हुए, तो उसको अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। बच्चों से बहुत प्रेम है उनको, तो बच्चों के बीच में बच्चे बन जाते हैं, फिर ये नहीं याद रखते कि मैं इस ओहदे पर हूँ। बच्चों के साथ खेलना बहुत ही सहज है ये उनके लिए, जो उनको और भी बड़ा बना देता है।